नमस्कार मित्रों, भारतीय व्यंजनों में बैंगन के भरते से हम भली भांति परिचित हैं, किंतु आज मैं आपके सामने सहजन की फली अर्थात ड्रमस्टिक से भरते की विधि साझा करना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पहले के वीडियो सहजन एक चमत्कारिक स्वास्थ्य मित्र वृक्ष और सहजन के फूलों की सब्जी को समय देकर काफ़ी पसंद किया। चूँकि आधुनिक विज्ञान ने इसकी हरी पत्तियों व सूखी पत्तियों में, फूलों में, फली में पोषक तत्वों को खोजकर विश्व को चकित कर दिया है, अतः आज मैं आपके सामने अल्प समय में सहजन की फली का भरता बनाने की विधि साझा कर रहा हूँ। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये भरता मात्र एक व्यक्ति के हिसाब से है। आप आवश्यकता अनुसार अनुपात में फली एवं मसालों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, सहजन की फली का भरता बनाने से पूर्व आइए हम कुछ आवश्यक तैयारी कर लें, जिसमें एक बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटी हरी मिर्च, एक इंच के लगभग कटा अदरक तथा एक मध्यम आकार का कटा लाल टमाटर तैयार रखें। अब कटी हुई सहजन की फलियां किसी बर्तन में लें और पानी में डूब जाने तक 8 से 10 मिनट के लिए इसे उबालें। 8 से 10 मिनट के पश्चात आप उबली फलियां इस प्रकार अलग से बर्तन में निकालें तथा इन फलियों को चाकू या चम्मच की मदद से बीच से दो भाग करते हुए इसका गूदा यानी पल्प अलग से इस प्रकार निकाल कर रख लें। अब हम इसका भरता बनाएंगे। मित्रों, अब एक कढ़ाई या पैन लें, उसमें आवश्यकता अनुसार घी या तेल डालते हुए हल्का गर्म होने पर आधा टीस्पून जीरा, चुटकी भर हींग, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च डालकर हिलाते हुए पहले से तैयार बारीक कटा हुआ प्याज डालें और गुलाबी होने तक भुनें। अब बारीक कटा लाल टमाटर डालें और थोड़ी देर हिलाते हुए स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर डालते हुए नमक अपने स्वादानुसार डालें। पकने के लिए इसमें थोड़ा पानी डालें। टमाटर तथा मसाला पकने के लिए पैन को 5 मिनट के लिए किसी ढक्कन से ढक दें। पांच मिनट बाद आप देखेंगे कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है और टमाटर मसाले के साथ पककर एक स्वरूप हो गया है। अब इसमें पहले से सहजन की फली का निकाला गया पल डालकर हिलाते हुए एक स्वरूप करते हुए थोड़ा सा पानी डालकर फिर से 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देंगे और पांच मिनट बाद आप देखेंगे कि सहजन की फली का स्वादिष्ट, लजीज, जायकेदार स्वास्थ्यवर्धक भरता तैयार है। गैस बंद करें और सहजन की फली का ये भरता सर्विंग प्लेट में डालें। और हाँ, बारीक कटे हरे धनिए से सजावट या गार्निश करना ना भूलें। मित्रों, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर उपलब्ध है
जो हमारे पाचन तंत्र के लिए मददगार होता है। आशा है सहजन की फली के इस भरते की रेसिपी आप सभी व्यंजन प्रेमियों के लिए लाभदायक रहेगी और इसे परिवारजनों तथा मित्र मंडली में बेहद पसंद किया जाएगा। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।